हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैंने शेयर किया है ये वाला मेकअप लुक, येलो गोल्डन एंड ब्राउन मेकअप लुक है ये। एंड इसको बहुत ज़्यादा इजीली मैंने क्रिएट किया है, कोई कट क्रीज वगैरह ड्रॉ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एंड ये आपके सारे पार्टी ड्रेसेस के साथ चल पड़ता है जिनमें गोल्डन वर्क हो या गोल्डन कलर या येलो कलर का आपका कोई भी ड्रेस हो, तो ये इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। एंड चलिए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लैक्टोकैलामाइन का फेस लोशन अप्लाई किया था फेस पे अपने। उसके बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है ब्लू हेवन का। ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज का प्राइमर है एंड ये सिलिकॉन बेस प्राइमर है, तो सिलिकॉन बेस प्राइमर काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं आपके फेस पे। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। एंड इसको मैं लेके अपने पूरे फेस पे डॉटेड मोशन में अप्लाई कर लूँगी अपने फेस से नेक दोनों में। एंड फिर उसको ब्लेंड करूँगी ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से। आपको ब्यूटी स्पॉन्ज को गीला करके उसको अच्छे से स्क्वीज करके आपको यूज़ करना होता है। सो मैं भी वैसा ही यहाँ पे करूँगी एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फाउंडेशन को। इसके बाद एज अ कंसीलर मैं यूज़ करूँगी ओलिविया का मेकअप स्टिक। ये बहुत अच्छा कंसीलर का वर्क करता है एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में भी आता है, 110 में आपको मिल जाता है आराम से अगर आप मार्केट में इसको परचेज करते हो तो। ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल है ये। एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी उसी ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से। एंड एज आई शेडो प्राइमर भी मैं सेम ओलिविया मेकअप स्टिक को ही यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं अपने आईब्रोज फिल करूंगी। ये मेरे पास आईब्रो पाउडर है, सो मैं इसकी हेल्प से अपने आईब्रोज को फिल कर लूंगी। एंड इसके बाद मैंने अपना आई शेडो बेस रेडी कर लिया था उसी मेकअप स्टिक की हेल्प से, ओलिविया की। एंड इसके बाद मैं ये आई शेडो पैलेट लेके इसमें से लाइट ब्राउन शेड लेके अच्छे से अपनी क्रीज पे उसको ब्लेंड कर रही हूँ, लगा रही हूँ, और इसी कलर को मैं बिल्ड करूँगी अपनी क्रीज पे अच्छे से। इस तरह का मैंने ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, सो इससे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने कलर को, क्रीज के कलर को। एंड नेक्स्ट मैं ये चॉकलेट ब्राउन कलर लेके अपने आउटर वी पे प्लेस कर रही हूँ। दोनों आईज के मैं आउटर वी पे इसको प्लेस करूँगी एंड अच्छे से प्लेस करने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इस तरह का आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश लेके मैं इस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि ये वेल ब्लेंडेड लगे, हार्श लाइन ना दिखे इसमें कोई भी। एंड इसके बाद मैं ये येलो गोल्डन शेड लेके अपने आई लिड्स पे अप्लाई करूँगी इस तरह के फ्लैट टिप ब्रश की हेल्प से। इसमें आपको कोई भी कट क्रीज वगैरह ड्रॉ नहीं करना होता है एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेकअप, आई मेकअप पूरा कंप्लीट होने के बाद। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है आपको इसे क्रिएट करने में। एंड इसके बाद मैं इन दोनों कलर्स के एजेस को ब्लेंड कर लूँगी सेम आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से। एंड इसके बाद मैं अपने ब्राउ बोन्स को हाईलाइट करूँगी एंड सेम जो मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर अपने आउटर वी पे लगाया है उसी से मैं अपने लोअर लैश लाइन को मैं भी उसको मैं स्मोक आउट कर लूँगी। एंड उसके बाद मैं ये सेम गोल्डन येलो गोल्डन कलर लेके अपने इनर वी पे इस तरह से प्लेस करूँगी। नेक्स्ट मैं ये काजल अप्लाई करूँगी अपने लोअर वाटर लाइन एंड अपर वाटर लाइन पे। एंड उसके बाद मैं ये आई लाइनर मैंने ड्रॉ किया है, मैंने कोई विंग लाइनर ड्रॉ नहीं किया है, सिंपल लाइन ड्रॉ की है, जस्ट थोड़ा सा मैंने विंग बाहर निकाला है, ज़्यादा नहीं। एंड इसके बाद मैंने मस्कारा यूज़ किया था। फिर मैंने ये एसएफआर का
हाईलाइटर एंड ब्लश पैलेट लेके इसमें से ये कंटूर शेड लेके थोड़ी सी अपने फेस की कंटूरिंग कर ली थी लाइक सो। नोज की भी मैंने कंटूरिंग की थी थोड़ी बहुत, फोरहेड की एंड इसके बाद मैं शिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट लेके ये पीची टोन में जो ब्लश है ये लेके अपने चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। एंड इसके बाद मैं हाइलाइटर भी सेम पैलेट में से लूँगी एंड अपने ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने चिन को, अपने क्यूपिड बो एंड फोरहेड वगैरह को हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से। एंड ये है मेरा फाइनल लुक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।